हेलो दोस्तों, मैं स्मृति। आज की वीडियो में मैं आपसे 11 बहुत ही उपयोगी किचन टिप्स और कुकिंग टिप्स शेयर कर रही हूँ, जो आपके रोज के काम को आसान बना देंगे और आप अपना कीमती टाइम और एनर्जी सेव कर सकते हैं। जब भी हम बाजार से अदरक लेकर आते हैं तो हमेशा हम उसके छिलकों को अलग करके चाय के अंदर या फिर कहीं भी यूज करना हो तो हम छिलके को फेंक देते हैं, इसको कोई भी यूज नहीं आता। पर आज मैं आपको बताऊंगी इसके छिलके का बहुत ही अच्छा यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप अदरक का कुछ भी अचार बनाए, चाय में डालने के लिए कट करें, तो आप इसके छिलके जो है उतार के सारे अलग कर लें। तो ये देखिए, मैंने सारे अदरक के छिलकों को ऐसे हटा लिया है और इसको आप अच्छे से साफ करने के बाद, धोने के बाद ही इसको धूप में सुखाएं। तो देखिए, मैंने अदरक के छिलकों को ऐसे ड्राई कर लिया है। अब आप इसे किसी भी एक जार में स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आप चाय बनाए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। जब भी आपके घर में अदरक ना हो तो आप अदरक के छिलकों को डालें, इसे किसी कांच के जार में या फिर एयरटाइट कंटेनर में ऐसे रख लें। तो मेरी नेक्स्ट टिप है, लेमन जूस को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं लंबे समय के लिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ लेमन लिए हैं। बाजार से हम लेमन लाते हैं, उसको एक दिन में तो खर्च कर नहीं पाते, एक दो दिन में। तो हम कई बार काफी ज्यादा लेमन लाते हैं और लेमन सूखने लग जाते हैं और खराब हो जाते हैं जल्दी। तो उसके लिए आप क्या करें, लेमन को बीच से काट लें, इसके सारे जूस को हम ट्विस्ट करके अलग कर लेंगे। फिर मैं आपको इसको स्टोर करने का तरीका बताती हूँ। तो ये देखिए, मैंने सारे लेमन को स्क्वीज करके ऐसे जूस अलग कर लिया है और ये जो छिलके हैं ना, इसे हम फेंकेंगे नहीं बिल्कुल भी। इसे आप यूज कर सकते हैं पिकल बनाने में, इसको धूप में सुखा के अच्छे से ड्राई करके। और अब हम इस लेमन जूस को जो हमने तैयार किया है, इसको एक जार में रख देंगे। तो यहाँ मैंने कांच की जार का यूज किया हुआ है। अगर आप इसको लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो इसे डीप फ्रीजर में रख के, किसी प्लास्टिक के जार में रख के, कांच की जार में इसको स्टोर ना करें फ्रीजर के अंदर, नहीं तो कांच की जार जो है वो टूट जाती है फ्रीजर में रखने से। इसको मैं करीब 10 से 15 दिन के अंदर ही यूज कर लूंगी, इसलिए मैंने कांच के जार में रखा हुआ है इसको। और तो ये देखिए, हमारा लेमन जूस जो है बनके तैयार है। इस तरह से आप लेमन को काफी ज्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं। टमाटर को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए मैं आपको आज टोमेटो प्यूरी बनाना बताऊंगी। बाजार से हम टोमेटो प्यूरी लेते हैं जो बहुत महंगी रहती है, और जब टोमेटो का सीजन होता है, जब सस्ती मिलती है, तो हर कोई टोमेटो की प्यूरी बना के स्टोर करता है। तो कैसे आप लंबे समय तक टोमेटो की प्यूरी बना के स्टोर कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। देखिए, मैंने यहाँ पे टोमेटो लिए हैं, इसको मैंने ऐसे कट कर लिया, रफली कैसे भी साइज में कट कर सकते हैं आप, और कोई सा भी टमाटर ले सकते हैं। मैंने ये राउंड वाले टमाटर लिए हैं। इन टमाटरों को अभी हमें कढ़ाई में डाल के ऐसे ही कुक कर लेना है। 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे कुक कर लेंगे, जब तक कि टमाटर में से पूरा पानी अच्छे से ना आ जाए, टमाटर गल ना जाए, तक हम इसे कुक कर लेंगे। इसे ढक के रख देंगे। देखिए, टमाटर जो है जैसे कि मैंने बताया था, सॉफ्ट हो गए हैं और पानी भी इसका रिलीज हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम मिक्सर जार में डाल के इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया था, टमाटर को ठंडा होने के बाद मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है मिक्सर जार में डाल के। अब हमें इस तरह की एक छन्नी लेनी है, इसके अंदर हमें सारा ये पल्प टोमेटो का डाल देना है और इसको हम छान लेंगे। इसके जो बीज और छिलके हैं ना, उसको हम अलग कर लेंगे इससे। देखिए, ये सारा टमाटर का बीज और जो छिलका है वो अलग हो गया है, इसे हम फेंक देंगे। और ये जो हमारा पल्प बचा है, इसे हम वापस से गैस की फ्लेम पे रख के 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे, ताकि थोड़ी और गाढ़ी हो जाए और अच्छे से कुक हो जाए। और हम इसे गाढ़ी होने के बाद 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप टोमेटो का कलर इसका और बढ़ाना चाहते हैं तो इसके अंदर चुकंदर डाल सकते हैं आप, और इसके साथ ही पीस सकते हैं। इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है टमाटर की प्यूरी के अंदर। तो ये देखिए, मैंने इसको 5 से 10 मिनट लो फ्लेम पे पका लिया है और ये अब और गाढ़ी हो गई है ये टोमेटो प्यूरी। अब आप इसको स्टोर कर सकते हैं, ठंडा होने के बाद आप इसे किसी कांच के जार में या फिर एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं स्टोर करके। इसके अंदर आप 1 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर डाल दें, सिरका, और इसको आप 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर इसको आप फ्रीजर में स्टोर कर रहे हैं, डीप फ्रीजर में, तो आप इसे किसी जिपलॉक बॉक्स में या फिर इसकी आइस क्यूब्स बना के जिपलॉक में रखें, या फिर आप एक प्लास्टिक के कंटेनर में इसको स्टोर करें। कांच की जार में रख के इसको डीप फ्रीजर में ना रखें। अगर आप कम दिनों में ही यूज करना चाहते हैं इसको, 1 से 2 महीनों के अंदर ही, तो आप इसको फ्रीज में रखें, कांच की जार में आप इसे स्टोर कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट टिप में मैं आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाना बता रही हूँ। हम बाजार से जो जिंजर गार्लिक पेस्ट लाते हैं उसमें काफी केमिकल्स होते हैं और वो हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। तो आप घर पे ही आसानी से एक जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के सालों तक स्टोर कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे थोड़े जिंजर लिए हैं करीब 100 ग्राम और 100 ग्राम मैंने गार्लिक के क्लोव्स लिए हैं। दोनों को मैंने छील के ऐसे काट लिया है और इसको हमें एक मिक्सर जार में डाल लेंगे। देखिए जिंजर और गार्लिक को मैंने एक मिक्सर जार में डाल दिया है। हमें इसको पीस के तैयार करना है, बट पीसने के लिए हम इसको नमक के साथ पीसेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, कोई सा भी नमक डाल सकते हैं आप। नमक से क्या होगा, इसको पीसने में आसानी होगी। और दूसरा, नमक डालने से क्या होता है, ये जल्दी खराब नहीं होता, नमक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो इसको हम इसके साथ डाल के बिना पानी डाले इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने जिंजर गार्लिक को और नमक डाल के इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लिया है और बिना पानी डाले आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका एक पेस्ट तैयार हो गया है नमक डालने से। और नमक डालने से क्या है, अगर आप डीप फ्रीजर में स्टोर कर दें इसको तो इसमें बिल्कुल भी आइस नहीं जमती, आप जैसे रखेंगे वैसा ही ये रहेगा काफ़ी दिनों तक। और आप इसे डीप फ्रीजर के अंदर 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं, किसी जिपलॉक बॉक्स में डाल के या फिर एयर टाइट कंटेनर में डाल के। जब भी हम बाजार से ज्यादा पनीर लाते हैं तो पनीर की कोई भी सब्जी या ग्रेवी वाली सब्जी बनाने के बाद थोड़ा पनीर जो है वो बच जाता है, तो हमें समझ नहीं आता हम उसको कैसे स्टोर करें। तो उसका तरीका मैं आपको बता रही हूँ। उसके लिए आप कोई सा भी कंटेनर ले लें, प्लास्टिक का या फिर कांच का, उसके अंदर ये पनीर रख दें और उसमें करीब 1/2 कप पानी डाल दें। इतना पानी डालें कि पनीर जो है उसमें थोड़ी सी डिप हो जाए और फिर हम इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रिज के अंदर 7 दिन तक। ये बिल्कुल खराब नहीं होता, आप इसको ऐसे पानी में रख के स्टोर करें। कई बार हम खाना बनाते वक्त गलती से पानी के अंदर ही तेल डाल देते हैं, जब हम कढ़ाई चढ़ाते हैं और उसके अंदर ही तेल डाल देते हैं जब उसमें पानी सूख रही होती है किसी पैन या कढ़ाई के अंदर, तो काफ़ी छींटे आने लगती हैं। उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही छींटे आने लगे तो आप उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें, उससे छींटे नहीं आएंगी। कभी कभी गलती से भी ऐसा हो जाता है कि आपका ध्यान नहीं रहता और आप पानी सूखे बिना ही उसमें तेल डाल देते हैं और छींटे आने लगती है बहुत तेल। तो जल्दी से आप ये तरीका अपना सकते हैं, हल्दी डालने से छींटे बिल्कुल नहीं आएंगी। तो हमारे जो रेगुलर किचन के नाइफ्स होते हैं और सीजर होते हैं वो रेगुलर यूज करने से उनकी धार जो है कम हो जाती है और फिर आपको धार कराने के लिए बाहर ले जाना पड़ता है, पर आप घर में ही इसकी धार को तेज कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये सीजर है, इसकी धार जो है थोड़ी कम हो गई है, तो इसके लिए हम इस तरह का एक एल्यूमिनियम फॉइल पेपर लेंगे और इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो मैंने पहले एक बड़ी शीट लेके फोल्ड कर लिया था, इसको वापस से ऐसा फोल्ड कर लेंगे और फिर हम इससे कट करेंगे। तो जो हमारा सीजर है ऐसे कट करने से काफी शार्प हो जाएगी। अगर आपकी घर की रखी सीजर भी खराब हो रही है, उसमें धार कम हो गई है, तो आप ऐसे एल्युमिनियम फॉइल पेपर इससे कट कर ले, इससे धार जो है तेज हो जाती है। ठीक वैसे ही जो नाइफ होते हैं वो भी, इसकी धार भी रेगुलर कट करने से कम हो जाती है। तो उसको भी साफ करने के लिए आप इस तरह की स्टील की ग्लास तो सबके घरों में होती है, इसके ऊपर ऐसे रब कर ले 2 से 3 मिनट के लिए। आप इसे दोनों तरफ से रब करेंगे, इसकी धार जो है बिल्कुल तेज हो जाएगी। कई बार आप पनीर की सब्जी बनाते हैं तो पनीर को आप फ्राई करके उसमें डालते हैं, सैलो फ्राई करके या फिर डीप फ्राई करके, तो पनीर जो है वो थोड़ी हार्ड हो जाती है, उसकी सॉफ्टनेस नहीं रहती। तो आपको मैं आप तरीका बता रही हूँ, इसको डीप फ्राई करने के बाद या सैलो फ्राई करने के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए पनीर जो है डीप फ्राई हो गया है, हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और यहाँ पे मैंने एक बाउल के अंदर गर्म पानी लिया है, गुनगुना पानी से थोड़ा ज्यादा गर्म, इसमें हम ये सारे पनीर डाल देंगे। इससे पनीर जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं पनीर थोड़े हार्ड हो गए हैं, पर गर्म पानी में डालते ही ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर आप इसको ग्रेवी में डालें, किसी भी तरह की ग्रेवी में, इससे पनीर बिल्कुल सॉफ्ट बने रहेंगे। तो इसको गर्म पानी में डाल के ऐसे ही 5 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर आप इसको निकाल के किसी भी सब्जी में यूज कर सकते हैं।
जब हम बाजार से आलू और प्याज लाते हैं तो दोनों को अलग अलग टोकरियों में रखते हैं और जिससे कि आलू जो है जल्दी खराब होने लगते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा एक आलू है जो खराब होने लगा है। पर ये टिप किसी को नहीं पता होगी, अगर आप आलू और प्याज को दोनों को एक साथ रखेंगे तो आलू जल्दी खराब नहीं होती। इसे आप महीनों तक ऐसे प्याज के साथ रख के स्टोर कर सकते हैं, कभी भी दाग नहीं लगेंगे उसमें। तो इस तरह से आप आलू को प्याज के साथ रखें, आलू जल्दी खराब नहीं होगी। अक्सर खाना बनाते बनाते हमारे किचन के जो बर्तन होते हैं ना, वो ऊपर से तो रोज सफाई करते रहते तो हम चिकना रहता है, बट जो नीचे से इसकी जो चिकनाई होती है वो जाती रहती है और ये काले पड़ते जाते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, मेरे सॉस पैन है और मेरी कढ़ाई है स्टील की, दोनों के ऊपर कैसे धब्बे से जम गए हैं। तो इसको मैं आपको साफ करना बताऊंगी। सारे लोगों की किचन का हाल लगभग ऐसे ही होता है। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, करीब आधा आधा चम्मच नमक डाल लें। और फिर मैंने यहाँ पे करीब 1 से 2 टेबल स्पून विनेगर लिया है, दोनों के ऊपर विनेगर डाल देंगे और ऐसे स्पंज की सहायता से साफ कर लेंगे। तो ये देखिए मेरे नमक और विनेगर लगाते ही जो ये पीले पीले धब्बे थे कढ़ाई के नीचे वो जाने लगे। तो ऐसे ही इसको 1-2 मिनट आप रब कर ले। देखिए मैंने इसको विनेगर और नमक से जो है 1 मिनट के लिए रब कर लिया है और देख सकते हैं आप कितना चिकना हो गया, एकदम जो भी पीले पीले धब्बे थे वो सारे चले गए हैं। अब मैं आपको ठीक ऐसे ये सॉस पैन जो है मेरा ये काला पड़ गया है, इसको साफ करके दिखाती हूँ। तो इसको भी हम कढ़ाई के जैसे ही 1 मिनट ऐसे ही रब कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसको 3-4 मिनट रब से ऐसे ही घिस लिया है और आप देख सकते हैं जो भी इसका कालापन था वो पूरा निकल गया है और ये एकदम चिकनी जो है हो चुकी है। तो ऐसे ही आप, अगर आपका बर्तन बहुत ज्यादा काला हो रहा हो, नीचे से बहुत ज्यादा चिकनाई हो रही हो, तो आप ऐसे ही 1-2 बार करेंगे, 2 बार की सफाई से ये बिल्कुल चिकना हो जाता है। आपको धो के दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल साफ हो गया ये। कई बार हमें दलिया या फिर खिचड़ी बनानी होती है तो हमें समझ नहीं आता हम कौन सी दालों का यूज करें। जैसे मार्केट में मिलती है रेडीमेड खिचड़ी का पैकेट या फिर दलिया का पैकेट, और आप कौन कौन सी दाल डाल के इसको अच्छे से बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है अगर आप इन दालों को डाल के बनाए तो। देखिए मैंने यहाँ पे 1 कप दलिया लिया है, इसको हम एक बॉक्स में डाल देंगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 1 कप चावल लिया है, कोई सा भी चावल ले सकते हैं आप जिससे आप खिचड़ी या फिर दलिया बनाना चाहते हैं। साथ ही मैंने देखिए यहाँ पे हरी वाली स्प्लिट मूंग दाल लिए, साथ ही मैंने यहाँ पे ये रेड दाल लिए, मसूर दाल। ये सारे दालों की क्वांटिटी मैंने 1 कप लिए और 1 ही कप मैंने तूर की दाल ली है। अब आप इसे ऐसे ही मिक्स करके रख दें, जब भी आपका दलिया बनाने का मन करे या खिचड़ी बनाने का मन करे तो आप इस तरह से बनाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी और ये बहुत अच्छा शॉर्टकट है। आपको जल्दबाजी में खिचड़ी दलिया बनाना हो तो इस तरह से आप पहले से एक डब्बे में तैयार करके रख लें, इससे ईजी होती है बनाना। साथ ही आप जो बच्चों को सेरेलेक देते हैं तो इन सभी चीज़ों को जो मैंने मिक्स किए हैं इसको दरदरा पीस के और इसका सेरेलेक बना के आप उनको दे सकते हैं। जो पैकेट वाली सेरेलेक आती है उससे बढ़िया रहेगा कि आप इसे ऐसे दरदरा पीस के और फिर इसका सेरेलेक बना के बच्चों को दें। आपको ये किचन टिप्स कैसे लगे कमेंट्स में जरूर बताएं, लाइक शेयर करना ना भूलें और आगे ऐसी और उपयोगी किचन टिप्स और कुकिंग टिप्स की वीडियो के लिए कमेंट्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।